नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सचिव हड़ताल पर, शासन उनकी मांगों को जायज मान रही है लेकिन पूरा नहीं कर रही, ऐसा कहना है सचिवों का। अब उनके समर्थन में सरपंच, जिला पंचायत सदस्य भी खुलकर मैदान में आने वाले हैं। उनका कहना है मांग नहीं मानी तो सरकार बदल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक बैनर दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला इकाई का रीवा का बैनर, पंचायत सचिवों का पंचायत विभाग में सम्मिलियन, छठवें वेतनमान की गणना, सातवें वेतनमान की गणना, अनुकंपा नियुक्त सचिवों का वेतन भुगतान प्रतिमाह नियमित रूप से दिया जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कब से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और क्या है प्रमुख की मांगों के अलावा और क्या मांगे आपकी? 21 तारीख से अपन लोग धरने पर बैठे हैं और ये हमारा 14 दिन का अवकाश के साथ धरना है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि पंचायत विभाग में पंचायत सचिवों का सम्मिलियन कर लिया जाए, ये प्रमुख मांगे हैं। दूसरी मांग है कि हमें छठवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान मिल रहे हैं तो हमें भी सातवें वेतनमान का लाभ 2018 से एरियर की गणना करके दिया जाए। सातवें वेतनमान का लाभ हमको मिलना चाहिए, साथ ही हमारी सचिवों को जो है क्या बोल रहे थे कि विभाग में सम्मिलियन करना चाहिए जी। अभी तक आप लोग नहीं है, नहीं। नाम बस के सचिव हैं आप लोग, है ना? नाम बस के सचिव हैं। इसके अलावा और क्या कहेंगे आप? हम मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग छोटी इकाई के कर्मचारी हैं और शासन की समस्त योजनाओं का संचालन हम लोग बखूबी करते हैं। जिस दिन से हम हड़ताल में हैं, शासन की लाडली लक्ष्मी बहना योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से ठप, तो सरकार को इस बात का एहसास है। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी से अपनी बातें रखी। उनका कहना कि आपकी मांगे जायज है, यदि मेरी मांगे जायज है तो उसमें विचार क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी मांगे जायज है लेकिन विचार सरकार क्यों नहीं कर रही, बड़ा सवाल इनका। अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर आगे क्या प्लानिंग? जिला पंचायत सदस्य कामबीर लाल मल्की का क्यों हूँ, ये पंचायत सचिवों को जायज मांग है। जो छठवां वेतन है, सातवां वेतन है, इनको सरकार को देना चाहिए और इनको नवीनीकरण के लिए करना चाहिए। सवाल ये कि अगर नहीं दिया तो फिर आगे क्या? नहीं दिया जाएगा तो हम जो एक दो अप्रैल से हम सरपंचों, जनपद सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को लेके मैं भी इनके समर्थन में यही अनशन बैठूंगा। ये एक बड़ी बात है, आप सचिव के साथ सरपंच, जिला पंचायत सदस्य भी खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि अब आपको लंबा समर्थन भी मिलने वाला है, आपको सचिव मान लिया, सचिव तो मान लिया गया लेकिन सरकार ने अपने विभाग में आपका नाम दर्ज नहीं कराया, लाडली लक्ष्मी भी योजना आपकी वजह से रुकी हुई है, सरकार को इस बात का भी एहसास है, लेकिन अगर ये सारी बातों के बाद भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये क्रमिक अनशन कितने समय तक आप लोग इस बार खींचने के मूड में हैं? अब इस बार तो हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ये चुनावी वर्ष है, 2018 में हम लोगों को देते देते सरकारें नहीं दी और ये 23 में चुनाव के बाद फिर 5 साल हमको लड़ना पड़ेगा। अब चुनावी वर्ष है इसलिए हम लोग अपनी मांग मनवा लेंगे। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, सरकार हम लोगों की ज्यादा सुनती है जो भी कर्मचारी, हालांकि सचिव की वजह से ग्रामीण अंचल का बहुत सारा काम रुका हुआ है, इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। आप लोग भी लगातार इनके समर्थन में यहाँ पे मौजूद है और एक या दो तारीख से आप लोग कह रहे हैं कि यहीं बैठेंगे। ये जिला पंचायत सरपंच भी यहाँ पर बैठे नजर आएंगे तो क्या सरकार पर दबाव बनेगा? ये दबाव की राजनीति और कुछ नहीं, चूंकि उदाहरण है, पिछली बार जब पंचायत सचिव सरपंच सारे लोग विरोध में खड़े थे तो सरकार चेंज हो गई थी। इस बार भी अगर सरकार इन सचिवों का पर ध्यान नहीं देती है तो पुनः आपके भारतीय जनता पार्टी सरकार चेंज हो जाएगी, दूसरी सरकार पार्टी सरकार आएगी। हम सरकार बदल देंगे अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो। ये जो आप अपने स्क्रीन पर जो इस समय टीम देख रहे हैं, इस टीम का साफ तौर से कहना है सचिवों की बात सरकार तत्काल मांगे, हमारी छोटी छोटी मांगे सरकार हालांकि कहती है आपकी मांग जायज है लेकिन पता नहीं किस वजह से ये मान नहीं रही। हमारी नजर अब
जरूर यहाँ पर बनी रहेगी, देखना दिलचस्प होगा। 2-3 अप्रैल से जिस तरीके से अभी यहाँ पर कहा जा रहा था कि सरपंच जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पर नजर आएंगे, अगर नजर आएंगे तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। अब आप अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।